अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इन सब खैरियत से होंगे यार। आप लोगों में कमेंट्स आ रहे हैं कि ऊंचा बोला करो, ऊंचा बोला करो। मुझे एक्चुअली ऊंचा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि बोला करूँ। मिट्टू, इसका कलर बहुत नज़दीक है। अच्छा अब जी, तेज़ धूप, बहुत 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 तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। अभी सब जो है नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, सब नाश्ता कर रहे हैं और मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और कुछ हैं जी सोए हुए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये जो है मैं बना रही हूँ ये मैंगो जूस, और एक खास वीडियो भी बना रही हूँ और एक खास मैंगो जूस भी बना रही हूँ। देख लो, आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब यार क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा अभी जो है डाली हमें चीनी, और अब हम लाएंगे बाहर फ्रिज से पानी। जो ठंडी हो। अच्छा ये लेंगे पानी की बॉटल। अम्मा ने दूध भी बॉयल करके यहाँ पे रखा हुआ। ठीक, खुल जा खुल जा खुल जा। बटन तो ऑन ही नहीं किया। बना रही हूँ मैंगो जूस। अभी सफाइयाँ वगैरह करके फारिग हुई हैं, सफाइयाँ वगैरह की हैं, तो अभी जी है मामा लोग सब अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। तो धूप देखो यार कितनी तेज़ है। हाय मिट्ठू जी, बार बार मेरे सामने आ रहे थे। इनका तो मेरे व्लॉग में आना डेली लाजमी ही है, लाजमी इनका मेरे ब्लॉग में आना। इनको देखो, वो देखो कैसे बैठे हुए हैं दोनों, ये बेचारे। ओहो, तुम्हें क्या हो गया, इसको क्या हुआ, ये किटड़ा हो गया। चले जी अभी बना रही हूँ मैं जूस। यार आज धूप बहुत है, तो देखती हूँ क्या करना आज। बस भाई मत गिर ना निकल के, बाकी सब खैर है। तो बनाते हैं जूस फटाफट से। इसको मैं डालती हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मोबाइल पकड़ूँ एक हाथ से पे करूँ वो करूँ, ऐसे नहीं होता। तो जूस बनाते हैं, लेट्स सी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तब तक के लिए बाय। A few moments later. Guys, ये तो कल मुझे कुछ काम था, तो मैंने कहा कल मैं फ्री नहीं होंगी, कपड़े थे काफ़ी जल्द धोने वाले, तो मैंने कहा अभी मशीन लगा लेते हैं। तो हमने लगाई है जी मशीन, अब कपड़े धोते हैं क्योंकि धूप पे निकली हुई है। अल्लाह करे कल मौसम अच्छा हो जाए, बादल आ जाए, बारिश नहीं है काफ़ी दिनों से। और यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऊँचा बोलूँ ऊँचा बोलूँ ऊँचा बोलूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी जगह पर होती हूँ जहाँ पर मैं ऊँचा नहीं बोल सकती, तो इसलिए। तो अभी जी कपड़े धोने लगी हूँ। यार कपड़े देखो कितने ज़्यादा हैं, कपड़े देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा। अभी ये कपड़े धोएंगे तो लेट सी फ्री होकर फिर आपसे मिलती हूँ। देखो असी उठ भी गए, नाश्ता भी कर लिया, सफाइयाँ भी कर लिया हैं, ये मुर्दार इंजी पे हल तक, कपड़े भी अद्धे धुल गए हैं जी। अभी मैं उठ के नाश्ता करूंगी, फिर मैंने भी कपड़े धोने हैं। आज नहीं धोने, फिर कल धोने हैं। क्यों? एक दिन में बहुत ज्यादा पानी लगता है। ये देखो माशाल्लाह पढ़ाकू महादी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, मार्किंग गंदी हुई है। तो ये वो मतलब जिस तरह हम पेपर देके आए उस हिसाब से मार्किंग गंदी, जहाँ पे एक नंबर कटना था वहाँ पे उन्होंने 15-15 नंबर काट लिया। कहती मुझे नहीं खुशी हो रही जरा भी। मैंने कहा चल, कहती इतने बच्चे फेल हुए, मैंने कहा चलो शुक्र करो तेरे फिर अच्छे नंबर है, कोई सप्लिन नहीं आया, कुछ नहीं आया, अच्छे नंबर है। ये पढ़ाकू ऐसे पढ़ाकू, ये टीवी भी चल रहा है, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं यार तू? टॉप करेंगे ऐसे सुनेंगे। तो चले जी यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े धो रही हूँ। तो यार एक आज मैट्रिक वालों का रिजल्ट है, मेरी कजन्स का भी माशाल्लाह से आया, हादिया का आया है, हादिया रियाज का आया है माशाल्लाह, उसने 958 मार्क्स मार्क्स कह रही हूँ मार्क्स हैं 950। और एक कज़न है ईमान, तो उसके आए हैं 856
856 समथिंग शायद इसी तरह कुछ है, तो वो काफ़ी अपसेट है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ये वो, तो काफ़ी मैं उसे कहूँगी कि नहीं अपसेट नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें भी कोई वो होगी तो खुश हो यार, खुश हो ईमान, तुम्हारे तुमने ब्लॉग में डाला खुश हो। तो हादिया कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, ठीक है, तो अल्लाह पाक आपको ऐसे ही ढेरों खुशियाँ दे, ठीक है, कामयाबी दे, और ज़्यादा मेहनत करो, मैं यही कहूँगी और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करनी भी चाहिए। वो देखो बादल आ रहे हैं, आते हैं बरसते नहीं हैं, ऐसे बादल जो आते हैं बरसते नहीं हैं यार, बरस जाओ, काफ़ी दिन से नहीं बचे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। अब भी जी धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि साथ साथ आप लोगों को भी दिखाना होता है, जैसे जैसे टाइम मिल जाता है तब मोबाइल उठा लेती हूँ और कैप्चर कर लेती हूँ ब्लॉग ना। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम जी एवरीवन। अच्छा यार, अब मैं काफ़ी बिजी थी कपड़े वगैरह धो के मैं फ्री हुई हूँ, तो अब जो है मैंने कहा चलें एक मैसेज मैंने देना था आप सबको, जो कि पब्लिक मैसेज है सबके लिए, आप लोगों को भी कैसे करना चाहिए। एक्चुअली आप लोगों को पता है पाकिस्तान में सिंध में काफ़ी इलाकों में जो है सैलाब फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, कि आप लोग सब न्यूज़ में देख रहे हैं, इधर उधर वीडियोज़ में, टिकटॉक पे, हर जगह पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि हमें क्या करना चाहिए, आप सबको भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने आपसे एक ब्लॉग में पहले भी मैंने कहा था कि अगर हम उन लोगों के लिए मदद एक रुपया भी करें तो बहुत बड़ी बात है वो भी उनके लिए, अगर एक रुपया भी नहीं कर सकते तो हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं उनके लिए, जो कि हमें करनी चाहिए दुआ, ठीक है। तो ये मैंने आज माइक लगाया क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने माइक लगाया, मैंने कहा चलिए मैसेज में माइक लगा कर रिकॉर्ड करती हूँ। तो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग जितना हो सके, जितना भी हो सके, इवन के 100 रुपया भी आप लोगों का होना वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 100 रुपया भी अगर आप लोग कर सकते हैं ना तो वो डोनेट करें, ठीक है। जगह जगह पे आप लोगों ने हर सिटी में, हर शहर में, हर एरिया में, हर सोसाइटी में जगह जगह पे कैंप्स लगे हुए हैं, JDC के कैंप लगे हुए हैं कराची में, सिंध में, ठीक है, अलखदमत वालों के लगे हुए हैं यहाँ। यार एक और बात मैंने ये भी देखा था कि न्यूज़ में, मैंने ट्विटर पर देखा था कि रावलपिंडी के PWD में अलखिदमत वालों के कैंप पे लोग आए हैं, दो लोग बाइक पे आए हैं, चोरी की उन्होंने, वो जो सारा कुछ तो नकदी वगैरह थी ना, मतलब जो पैसे वगैरह थे वो सब कुछ लूट के ले गए। यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो कि इस ऐसे हालात में भी उन लोगों के पैसे जिनको मदद की ज़रूरत है वो पैसे आप लोग चुरा के ले गए हो। अल्लाह से डरो यार, आप लोगों ने जान देनी है और हिसाब भी देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करो, ठीक है, ये मेरा सबके लिए मैसेज है जो मतलब इस तरह हरकतें करते हैं। तो इसके लिए आप लोग माइंड मत करना तो कि मैंने ये मैसेज दिया, ये मैसेज हमें देना चाहिए, ठीक है। मैंने कल सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ था इस बात का, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग 100 रुपया भी डोनेट करें ना, जहाँ जहाँ कैंप लगे, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, दुआ तो करनी ही करनी है आपने लास्ट में, ठीक है, जितना आप कर सकते हो तो वो आप लोग लाजमी डोनेट करो। हर जगह पर कैंप्स लगे हुए हैं, हर एरिया में, हर सोसाइटी में, जहाँ जहाँ लगे हुए, जो कर सकते हो, कपड़े पुराने, जूते, कपड़े जो आप लोग नहीं पहनते या यूज़ नहीं करते या छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो वो सब आप लोग दे के आ सकते हो। इवन के बिस्किट्स हो गए, कपकेक्स हो गए बच्चों के लिए, जितनी जो भी आप लोग, चटाइयाँ हो गई और कैंप्स हो गए, मतलब घरों में तो आप ये है, घरों से आप ये है कि यूज़ हुए हुए कपड़े, जूते, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हो, ग्रॉसरी जितनी भी दे सकते हो, दालें, चीनी, चावल, जो कुछ आप दे सकते हो, तो आप लोग ज़रूर मदद करो उन लोगों की, ठीक है। हमसे भी जितना हो सकता है मैं भी ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब ये बात है कि मैं व्लॉग में दिखाऊँ, व्लॉग में कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत व्लॉग में दिखा दूँ, लेकिन मुझे दिखाने के लिए नहीं करना वो, मुझे व्लॉग बनाने के लिए वो सब नहीं करना, मैं ये नहीं चाहती, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करें जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, जितनी अवेयरनेस हो सकती है उस इस मैसेज को पहुँचाएँ लोगों तक और लोगों की मदद करें, ठीक है। और अब भी यार काफ़ी सारे बिजी थी, काफ़ी काम थे, मैंने आप लोगों को दिखाया कपड़े धोए, ये वो सफाई वगैरह की। तो अभी जो कि शाम और हमारी लाइट भी ऑफ है, देख सकते हैं आप लोग, लाइट भी ऑफ है और पंखा भी बंद है, तो मुझे पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस आज का मेरा मैसेज यही था, तो कल इंशाल्लाह देखते हैं कि एक नया व्लॉग क्या करते हैं, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। 49% लोग ऐसे हैं जो लोग जो हैं विदाउट सब्सक्राइब किए ना ब्लॉग्स देखते हैं मेरे, और मैंने ये चीज़ नोट किया कि इंडिया के बहुत से लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं,
इंडिया वालों के लिए थैंक यू यार, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, मुझे कमेंट्स करते हो, इंस्टा पे काफ़ी मैसेजेस करते हैं लोग, ठीक है, हमें पाकिस्तान पसंद है, ये वो, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों का, आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग में, सब्सक्राइब किया आप लोगों ने, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्ला, और यार सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, देखो हर इंसान अपने लिए कुछ करता है और मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है, अपने लिए भी बहुत से लोगों के लिए, ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दुआ में मुझे याद रखिएगा, ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।